जी व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग. हम बात कर रहे हैं एक प्रश्न पे और साथ ही साथ एक पोल का सवाल भी हमने आप लोगों से किया हुआ है. मैं रिपीट करती चलूँ, आप पोल का जवाब दे सकते हैं. हमें बताइए कि क्या अपनी से बड़ी उम्र की खातून से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. रीज़न आप बताना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है. मैंने देखा है खवातीन फिर भी रीज़न बता रही हैं, मर्द हजरात बिल्कुल भी रीज़न नहीं बता रहे हैं. अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहे कि क्यों नहीं करनी चाहिए. कहते बस नहीं करनी चाहिए. हमारे पास ब्रेक पे करें, हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में हमारे जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने भी बड़े से कहा था कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर एक को नया मॉडल चाहिए होता है. Because then she'll be more mature. आपकी वाइफ से नहीं देख रही ना? अगर वो देख रही है तो she will never mind that. सर बस अब खुद हम लोग देखिए मेरा अपना ओपिनियन बताता हूँ. अगर मुझे if I get another chance, I'll marry the same woman again. ये चीज डिफरेंट है, एज की और सारी चीजें डिफरेंट है. यू सी, आपकी जिससे शादी हो वो उसके साथ आपकी जिंदगी अच्छी गुजरनी चाहिए. वो आपसे बड़ी हो छोटी हो, उसका रिलीजन, उसका मुसलमान तो होना लाजमी है, उसका कलर कौन सा हो, उसकी किस रेस से ताल्लुक रखती हो, कि उसकी क्या उसकी मदद ना हो. अगर देखें दुनिया में जितने लोग कामयाब होते हैं ना, आप देखें, देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड दैट पर्सन. यस इंडीड. अच्छी औरत आपको मिल गई, आप बहुत राइज कर जाएंगे आप ही. क्योंकि देखें दुनिया में सबसे कॉमन चीज क्या है, सक्सेसफुल पर्सन का, इंटेलिजेंट और यू नो टैलेंटेड पर्सन का फेल होना. और टैलेंटेड पर्सन फेल होने के वो इतनी दुनिया में रिसर्च हुई है कि जो लोग कामयाब कैसे होते हैं और नाकाम so होते हैं ना, गुड पार्टनर उसके पीछे. एक्चुअली डॉक्टर साहब ने जो बात की, लेट्स पुट इट इन अ मोर लाइक यू नो ऑन अ कॉमिकल नोट. वी हैव अ कॉलर, उसके बाद वी विल पुट इट. ओके जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हाय यूसुफ साहब, दूसरी कॉल. मैंने बहुत जरूरी समझा. हाँ जी, आप भी और आपके दोनों मेहमान बैठे, एग्जीक्यूटिव साहब बैठे, डॉक्टर साहब बैठे. आज का आपने सेगमेंट रखा है एग्रेशन में, और आप लोग ज्यादातर गुफ्तगू कर रहे हैं दूसरे टॉपिक पे. हाँ सही सही, तो पता है मुझे वो लग रहा है कि आप लोग मतलब इसको सही बात तो बना रहे हैं. आपको एक बात बताऊं यूसुफ साहब, मसले से हट गए. छोटा सा मैं एक पॉइंट रिव्यू करना चाहता हूँ. दोनों बहुत अहम मसले, हमारे एग्जीक्यूटिव साहब बैठे हैं और डॉक्टर साहब बैठे हैं, कि असल ये सारा एग्रेशन जो है सारा है तालीम से. एक तो है पीली तालीम जहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा, एक है 60 गज की प्राइवेट तालीम जहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा, एक है जो अपर लेवल की तालीम है जिनकी 15-15 हजार रुपए फीसें हैं, और उनमें बच्चों को सिवाय इंग्लिश बोलने के कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा. तो और वहां पर 12-15 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, ये एक आम बात है. मेरी फैमिली में मैं हजारों लोगों को जानता हूँ ऐसे. तो ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा हटके इतने मौजिज और इतने बुर्दबार लोग बैठे हैं, थोड़ा इस पे भी सोचते हैं कि एग्रेशन क्यों पैदा हो रहा है, और हम अपनी नई नस्ल को क्या देंगे. जब ये तालीम हम हर लेवल पे इस तरह दे रहे हैं तो हम एग्रेशन नहीं पैदा करेंगे तो क्या पैदा करेंगे. सही, सही. बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और शादी और घर के मामले पे बात शायद इसलिए भी ज्यादा जा रही थी क्योंकि आधा एग्रेशन तो वहीं से आता है. नहीं, बात ये है कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और अभी तो आप यंग है, मगर जब आप हमारी एज पे जब मर्द पहुंचते हैं तो उनका सबसे महबूब और मरहूब टॉपिक ही होता है कि दूसरी शादी कब कर रहे हो, और तमाम दोस्त बैठ के दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं, और सब एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं. कोई नहीं रहा होता, कभी नहीं कर रहे होते जो बात करते हैं वो कभी नहीं करते. यही मैं कह रहा हूँ, सब दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते, खुद नहीं कर रहे होते. और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारे साथी कॉलर का नाम मैं भूल गया, यूसुफ साहब ने बिल्कुल सही बात की कि आप चूंकि इतना चटपटा टॉपिक है कि हम एग्रेशन से हट के उस साइड पे आ गए. दो इम्पोर्टेंट टॉपिक एक साथ हैं, दो इम्पोर्टेंट टॉपिक साथ हैं. मैं उसको इस तरीके से बेसिकली एड्रेस करूंगा. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूसुफ कि उन्होंने हमें वापस ट्रैक पे रखा. और वो ये कि जिस वक्त हम एग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, एग्रेशन डॉक्टर साहब इसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मैं तो सिर्फ एक आपको एक रोड साइड व्यू दे सकता हूँ. एग्रेशन स्टार्ट होता है आपकी हेल्पलेसनेस की लर्निंग से, कि आप हेल्पलेस हैं. ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं इसके नतीजे में. एक चीज़ तो ये हो सकती है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं,
और बिल्कुल डिप्रेस होकर बैठ जाएं और बेचारा अपने आप को फील करने लगे, ठीक है, दैट कैन बी सुसाइडल। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप जो है इसकी एग्रेसिव साइड पे चले जाएं, लर्न्ड हेल्पलेसनेस के, और आप कहें कि अच्छा अब मेरे साथ ये हुआ है तो अब मैं जो है ना इसको इस तरीके से हासिल करूंगा। अच्छा फिर क्या होता है कि जब आप एग्रेसिव होते हैं तो फिर आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी बेसिस पे आप आगे का लाए अमल अपना तय करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास गया और मैंने कहा कि साहब ये जो है ना लड़की सी है और इसके साथ अगर मैं बदतमीजी कर लूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, पता चला आप ब्लैक बेल्ट सिक्स डैन निकली, आपने मार मार के मुझे अस्पताल पहुंचा दिया, नेक्स्ट टाइम वो काम मैं नहीं करूंगा, ठीक है, या सोच समझ के करूंगा। तो इसको डॉक्टर साहब ज्यादा बता सकते हैं, हम इसको लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं, किसी भी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर होता है। अब उस एग्रेशन के नतीजे में मुझे ये पता चला कि यार यही तरीका है। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी और किसी और की गाड़ी टकरा गई और मैंने उसको एक मुक्का मार दिया और पता चला कि उसके बाद वो दब गया और मैं अपनी गाड़ी और उससे पैसे लेकर निकल गया, तो नेक्स्ट टाइम अब मुझे पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे यही करना है। वही जो बच्चों के साथ साइकोलॉजी और थिंकिंग होती है। नाउ दिस इज हाउ द एग्रेशन एक्चुअली वर्क्स इन टू योर सोसाइटी। अच्छा इसमें क्या होता है कि आपके जो कस्टोडियन होती है, जो आपकी गवर्नेंस होती है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसको हम हुकूमत कहते हैं, हुकूमत का रोल ये होता है कि वो लॉ के जरिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए इस किस्म के नेगेटिव बिहेवियर को कटेल करती है और पॉजिटिव बिहेवियर को जो है वो उसको रिवॉर्ड करती है। जब हुकूमत जो है किसी और ही एजेंडा के अंदर और किसी और ही काम में लग जाए तो होता ही है नहीं तो होता ही है कि गवर्नेंस का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, फिर सिर्फ नोटिसेस लिए जा रहे होते हैं कि मैंने इस चीज का नोटिस ले लिया, मैंने वो कर लिया, ठीक है। आम आदमी को ये फीलिंग होती है कि यार हुकूमत तो इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, चलो अब ये करो कि जो भी जिस तरीके से भी हासिल होता है हो, तो अगर सड़क बंद है तो मोटरसाइकिल वाला जो है वो फौरी तौर पे कोशिश ये करेगा कि जनाब जो है ना मैं फुटपाथ पे होता हुआ निकल जाऊं, ठीक है, पुलिस वाला भी कमर पे हाथ रखे वहीं खड़ा होगा, पुलिस वाला मगर कमर पे हाथ रख के खड़ा रहेगा, वो कहेगा यार मैं क्या इसको करूंगा, ठीक है। हमारे एरिया में क्या होगा, पुलिस वाला वैसे नहीं रोकेगा, इसलिए वो नहीं रोकेगा, उसको पता है कि जो जिसको भी रोक रहा है पता नहीं वो कौन है, वो रिश्ते में उसका क्या लगता है वो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो वो इस किस्म की सूरत हाल हो जाती है, नतीजा ये होता है कि आपकी टोटल जो आपकी सोसाइटी है वो एनार्की का शिकार होने लगती है और फिर उस बदतमीजी के नतीजे में लोग उसको उस बिहेवियर को समझने लगते हैं। अब मैं आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले की तरफ आऊंगा सर, वो हम बात अभी करें, हमारे साथ एक कॉल मौजूद है, जी जी कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, फोन का जवाब मैं देना जरूर चाहूंगा, पहले कि आप बहुत यकीन है इसके बारे में, देखिए बड़ी उम्र की औरत से शादी बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छा, लेकिन देखिए टॉलरेंस जो करना पड़ेगा ना, वो जो भी बड़ा होगा उसको करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता, हाँ टॉलरेंस लेवल उसका ज्यादा होना चाहिए, ये कोई किसी ने ना मतलब ने सेट किया ना किसी और ने। एक बात मैं बताऊँ या साहब, वैसे टॉलरेंस जो है ना दोनों में होनी चाहिए, नहीं टॉलरेंस दोनों में होनी चाहिए, लेकिन जो बड़ा है ना फिर उसको समझदारी का मुजाहरा करने का पड़ेगा, ये बात। अच्छा या साहब, आपकी आपकी शादी हुई भी है? मेरी शादी हुई है, मैं थोड़ा बड़ा हूँ, अपनी बीवी से मैं समझदारी का मुजाहरा करता हूँ। तो आप ये पूछना पड़ेगा आपकी मिसेस से, इस पे व्यू लेना पड़ेगा आपकी मिसेस से, लाइन पे लेना पड़ेगा। मैं दूंगा किसी वक्त और वक्त, मैं अभी आपका मौजूद था, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ राफिया, वो आपके जो भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जो सिलेक्शन ऑफ गेस्ट करते हैं बड़ा जबरदस्त करते हैं। जो मैं थोड़ा सा कहूंगा, वैसे मुझे कहने का हक नहीं, जो पहले आपके कॉलर आए थे ना उन्होंने कहा जो डेविएट कर रहे हैं मौजूद से, मैं कहता हूँ यकीन करें जो मेरे जहन में सवाल थे सब इन्होंने बताए हैं और कोई डेविएशन नहीं की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो बैठे हैं इन्होंने कहा ना कि इनकी बातों में वाकई मैं भी खो गया था। असल बात यह है कि आपके अदल इंसाफ खत्म हो चुका है, आपका सब्र शुक्र खत्म हो चुका है, दैट इज द वे, दैट इज द मेन कॉज ऑफ एग्रेशन। क्योंकि देखिए जब आप किसी हकदार को हक नहीं मिलेगा तो एग्रेसिव होगा, जब आप मैरिट पर चीजें नहीं देंगे तो लोग शीशे तोड़ेंगे, जब रिजल्ट आप सही निकालेंगे लोग आग लगाएंगे, ये बात है, जब आप बदला इंसाफ नहीं देंगे सब कुछ ऐसे ही होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें जो हमारा मीडिया है, हम इतना सारा दिन देखते हैं राकेश, मैं माय वाज अ रेगुलर कॉलर ऑफ सो मेनी मॉर्निंग शोज, लेकिन आप सिवाय हेल टीवी के और किसी एक चैनल के नहीं करता, क्योंकि वहां जो कुछ खुराफात बताई जा रही है उससे एग्रेशन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, औरतों को ये सिखाया जा रहा है कि तुम अपने अपनी जो है शोहरों से एग्रेसिव हो जाओ, तुम उनके खिलाफ ये करो वो करो। एक औरत जो अपने घर में बैठी हुई अपने माँ अपनी बेचर बच्चों की अपने शोहर की खिदमत कर रही है, उसको आप प्रोवोक कर रहे हैं, उसकी जन्नत वही है, तो आप तो उसके एग्रेसिव खिलाफ बिना वजह कर रहे हैं ना, वो तो उसी माहौल में खुश है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि हमारा मीडिया इसमें बहुत बड़ा किरदार आ सकता है। डॉक्टर साहब की बातें इतनी जेन्युइन है कि आज हम जो हमारे लिए रोल मॉडल है, हमारे शाहरुख मुन्नी शीला बन चुके हैं, हमारे हुजूर, हमारे जो हमारे अंबिया हैं, हमारे सहाबा हैं, हम उनको देख ही नहीं रहे, उनकी लाइफ तो हमारे सामने आई नहीं ना। तो बात ये है कि सबसे पहले सब्र शुक्र करें और अदल इंसाफ दें, तो इंशाल्लाह एग्रेशन खत्म हो जाएगा और वी कैन होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक तो हमारी अपने दीन से बहुत दूरी है,
دین سے دوری بھی ایک وجہ ہے کہ جیسے آپ نے مثال دی رسول اللہ کے زمانے کی ہی ہے. دیکھیں انصاف کا آئیڈیل انصاف کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے, لیکن انصاف کے قریب تو ہونا چاہیے نا. اس وقت ہمارا معاشرے میں دیکھیں جو آپ مثالیں جتنی بھی آپ نے دی اس کے اندر کیا ہے, وہی اگر کوئی ڈی ایس پی کا بیٹا ہوگا, کوئی منسٹر کا بیٹا ہوگا, کوئی پولیٹیشین کا بیٹا ہوگا یا پولیٹیشین خود ہوگا, وہ ہر سب چیزوں سے آزاد ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ ٹریفک سے بائی پاس بھی کر سکتا ہے, یہاں تک کہ پولیس کی گاڑیاں الٹر ٹریفک پہ چل رہی ہوتی ہیں. یعنی اب آپ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے کہا ہے سب کو ٹریفک پہ چلو, آپ خود الٹا چل رہے ہیں اور خود ہی رشوت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, ایک سوال, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو, ضرور پوچھنا چاہوں گی, وہ یہ کہ بچوں کو جو کارٹون دکھائے جاتے ہیں یا بچوں کی جو آج کل ایکس باکس پہ گیمز ہیں, اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے لڑائی جھگڑا, اس کو مارا, اس کو کیا, اس کے پاس یہ ہے یہ, اور بچوں کی بات کیا ہوتی ہے, میں نے اس کو اس گن سے مارا, میرے پاس اس وقت یہ رائفل تھے, میرے پاس اتنے اتنے شاٹس تھے, یہ بچوں کی ڈسکشن چلتی ہے. ٹھیک ہے, کیا اس چیز سے نہیں بچوں کے اندر اگریشن بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں بچپن کا جو دور ہوتا ہے نا, فرائیڈین جو تھیوری ہے نا, فرائیڈین تھیوری کے 5 سال 6 سال میں بچہ پورا ڈیولپڈ ہو جاتا ہے. پھر جو روجر مور کی جو تھیوری ہے وہ یہ کہ نہیں زندگی بھر ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے. تو دیکھیں بچپن کی عادتیں نہیں جاتی, محاورہ ہے یہ, جو بچپن میں آپ نے سیکھ لیا وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. بچپن میں اگریشن آپ نے دیکھ لیا آپ کو یاد رہے گا, بچپن میں دیکھا تو پھر تو آپ وہ ساری زندگی. دوسری بات یہ کہ جو لوگ بچپن میں وائلنس کا شکار ہوتے ہیں, جب ہم اگریشن کی بات کرتے ہیں, جو لوگ بچپن میں وائلنس کا شکار ہوتے ہیں, بچپن میں پٹائی جن کی زیادہ کی جاتی ہے, جو لوگ گھر میں بچپن میں توڑ پھوڑ زیادہ کرتے ہیں, جو عورتوں کے شوہر ان کو مارتے ہیں, وہ ان سے بچوں کو مارتی ہیں, تو یہ سب بڑے ہونے کے بعد وہی اگریشن اپنی اولادوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں. پھر تیسری میں آپ بتاؤں کہ یہ دنیا کی ریسرچ ہے کہ جو شہروں کے اندر لیڈ کا لیول بڑھتا ہے گاڑیوں سے جن سے دھواں زیادہ نکل رہا ہے. اب کراچی کا اگر آپ حال لیں, آج سے 20 سال پہلے دھواں ہی دھواں تھا, صحیح ہے, اس دھوئیں سے میں ہی بچے بڑھے اور بچوں کے اندر لیڈ ڈپوزیشن زیادہ ہوئی. یہ میں آپ اس کو ریزن کیمیکل ریزن بتا رہا ہوں, اس کی وجہ سے لوگوں کا آئی کیو 10% کے قریب کم ہوتا ہے اور اگریشن بے انتہا بڑھتا ہے. تو اگر کسی کے دانت نکال کے اس میں لیڈ لیول چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے شہروں میں جس طرح کی زندگی ہم نے گزاری ہے, مختلف میتھڈ ہوتے ہیں لیڈ لیول چیک کرنے کے, بچپن میں لیڈ, کیونکہ بچپن میں دانت بنتے ہیں, تو مختلف ریسرچ کے میتھڈولوجی ہے یا بونز میں اس میں, ہاں, تو وہ لیول جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے. ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کہ ہمارے یہاں ایٹ لیسٹ اس پر تک نہیں دی کہ بھائی کہ اب لیڈ فری پیٹرول آیا ہے, اس سے پہلے تو لیڈ پیٹرول سارے پورے ملک میں بک رہا تھا, ساری دنیا میں ملنا بند ہو گیا تھا, یہاں ہمارے برتن بھی برتنوں میں بھی ہوتا تھا, پلاننگ نہیں ہے. اگر اجازت ہو تو میں ذرا سے اس کو ایڈریس کرتا ہوں. آپ کی بات دیکھیے دو حصے ہیں اس کے, جہاں تک گیمز ہیں دے آر ویری اگریسو, ٹھیک ہے. اچھا, زیادہ تر گیمز چونکہ امریکہ میں بنتے ہیں, بدقسمتی سے امریکہ خود بتاتا ہے کہ ان کی کون کون سی چیزوں کو توڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, یوریز ریونج, ٹھیک ہے, کمانڈ اینڈ کانکر, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے ان آرڈر آف ڈیوٹی یا ان لائن آف ڈیوٹی کچھ اس طرح کر کے, سب میں اسٹیچو آف لبرٹی, سب میں یہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ, سب میں ٹوئن ٹاورز توڑے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز, یہ جو سارے گیمز ہیں یہ نہ صرف اگریسونیس آپ کو شو کرتے ہیں بلکہ آپ کو ٹارگیٹس بھی بتاتے ہیں کہ امریکہ کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ ہٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز, موویز کی بات کرتی ہوں جو اس طرح کے آئیڈیاز دے جاتے ہیں لوگوں کو, بالکل. اچھا, اب جی سب سے زیادہ اگریشن, میں کل بھی ایک ایسی مووی دیکھ رہا تھا کہ جس کے اندر اسٹیچو آف لبرٹی کو کلیپس ہوتے ہوئے دکھایا, ٹھیک ہے, آئی تھنک دا ڈے آفٹر ٹمارو یا کچھ اس طرح کر کے اس کا نام تھا, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں.